नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस हरियाली कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास को। बेसिकली हम भारतीय इतिहास को देखते हैं तो भारतीय इतिहास को जब भी कोई इतिहासकार पढ़ाता है या लिखता है या किसी टीचर के द्वारा इतिहास को पढ़ाया जाता है तो तीन भागों में पढ़ते हैं हम इसे। पहला पढ़ते हैं हम इसे प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा पढ़ते हैं हम आधुनिक भारत का इतिहास। आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें कुछ वीडियो लेकर आऊंगा जो मैं प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर आऊंगा। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो लेक्चर को। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं इस क्लास का सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले तो यह देखने में आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया कि क्योंकि ये जो सभ्यता सबसे पहले प्रारंभ हुई थी वह सिंधु नदी के किनारे पर हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता हम कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम हम देते हैं। ये जो सिंधु सभ्यता है इसका मतलब समझते हैं हम। सिंधु, सिंधु एक नदी का नाम है जिसे सिंधु नदी, जो भारत के उत्तर पश्चिम में बहती है, उत्तर की ओर, उत्तर पश्चिम में हमें देखने को मिलती है। सिंधु घाटी, घाटी का मतलब हम समझते हैं नदियों का तंत्र। क्या? नदियों का तंत्र, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। यह सभ्यता 2500 BC यानी कि ईसा पूर्व, बीसी को इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइसिस, जिसे हिंदी में ईसा पूर्व हम कहते हैं। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। अब यह सिंधु घाटी सभ्यता क्यों महत्वपूर्ण है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इन सभी बातों को हम देखते हैं कि यह जो सिंधु घाटी सभ्यता, पहले एक चीज मैं समझा देता हूं कि यहां से क्वेश्चन पूछे क्यों जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। तो इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, इतिहास क्यों पढ़ने के लिए सिलेबस में डाला जाता है किसी भी एग्जाम को हम देते हैं, जैसे कि MP का हो या ऑल इंडिया ओवर इंडिया का हो, ऑल इंडिया का एग्जाम, जिसमें इतिहास को क्यों दिया जाता है, जियोग्राफी को क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो भी प्रशासनिक अधिकारी उस एग्जाम के द्वारा चुना जाएगा वो काम कहाँ करने वाला है, इंडिया के अंदर ही करने वाला है। तो इतिहास से यह पता चलता है कि हम इतिहास से सीख कर वर्तमान को सुधार सकते हैं, इसलिए हमें इतिहास पढ़ना आवश्यक होता है। तो हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ेंगे कि यह कैसे, यहाँ पर कैसे समाज निवास करता था, क्या यहाँ के लोग कृषि करना जानते थे, इन सारी चीजों को हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम इसमें देखते हैं, पहला पॉइंट लेता हूं मैं अतीत के संदर्भ में, अतीत के संदर्भ में, अतीत के संदर्भ में। अब ये अतीत जो हमारा बीत चुका उसे अतीत कहते हैं, समझना। पूर्व और पश्चिम, मतलब कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को अतीत के संदर्भ में जब देखते हैं तो पूर्व और पश्चिम का यदि हम तुलना करते हैं, ये पूर्वी देश है या पश्चिमी देश हैं, जैसे कि यूरोप के कई देश हैं, अमेरिका के सारे देशों को हम देखते हैं, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता हमें उस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता में से एक देखने को मिलती है। दूसरा हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, यह इसका इतिहास 4500 साल पुराना माना जाता है। यह सभ्यता 4500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यह हमारे महान इंडिया में 4500 वर्ष पूर्व एक ऐसी सभ्यता का जन्म हुआ, यह ऐसी सभ्यता का उदय हुआ
जो आज हम वर्तमान में कुछ अच्छे शहर जिसे जो आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, या वैसा कुछ कोशिश कर रहे हैं अच्छे शहर जहां पर निवास होता है। दूसरा हम देखते हैं, यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता से यह तात्पर्य है कि यहां पर जो ये जो सभ्यता थी विश्व की प्रथम, इसमें नगर, नगर हम लेते हैं किसी सिटी से या किसी शहर को, मतलब कि ये जो सभ्यता थी इसमें जो सिंधु घाटी वाला क्षेत्र था, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इन सभी में जो सभ्यता विकसित हुई थी 4500 साल पुरानी, उसमें नगर नियोजन जैसी हमें देखने को व्यवस्था मिलती है, मतलब कि शहरों का निर्माण हुआ करता था उस समय जब ये विश्व की प्रथम सभ्यता बनी थी। उसी समय क्या यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? सिटी देखने को मिलती है, यानी कि शहर देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं इसमें वर्तमान के संदर्भ में, वर्तमान के संदर्भ में